धोरण 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी। अगले वीडियो के अंदर 2 उदाहरण दिए थे कि अपनी कथनी और करनी में मनुष्य क्या अंतर रखता है। पेज नंबर 20 पाठ्यपुस्तक खोलकर रखें। पेज नंबर 20 का लास्ट वाला पैराग्राफ छेल्ला। एक व्यक्ति दुकानदार पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा रख ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए, जहाँ सामान वाहन खड़ा रखते हैं वहाँ रख के आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मुझे थोड़ा सा ही चीज़ लेनी है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना यह कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन सामान खड़ा करने के स्थान पर जाकर खड़ा किया, वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के बीचों बीच खड़ा कर दिया और अंदर दुकान के अंदर चला गया। उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आप इसे मना नहीं किया? तो वो बोला, ये तो मेरा बेटा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते कि बड़ी बड़ी आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आता है तब वो आदर्श भूल जाते हैं। यानी दूसरों को सीख देने वाले खुद पर वही चीज आती है तो वो सीख नहीं समझते। एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, एक चित थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो बाहर कौन खड़ा था? मकान मालिक। कितने माह का किराया लेना आया था? 4 माह, इतने महीना। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया, एकदम जल्दी से, कुछ भी विचारा नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है, क्योंकि पिताजी ने अंदर से ही उसको समझाकर भेजा था, उसको तुरंत ही जवाब मगज में ही था। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठकर मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, बहुत लज्जित हो गए। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना। आगे एक सज्जन ने अपने पोते का यह सिखाया कि हम कभी किसी का काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। किसी कोई भी अपन को काम सौंपे, अपना हो या दूसरे का हो, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर तुम कुछ चीज लेने गए हो, कुछ बिल भरने गए हो और कतार हो, तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उन्होंने 8 साल का पोता भी था। पोता यानी पुत्र का पुत्र, तो वो पुत्र को भी साथ में लेके गए दादाजी के, चल तुम्हें भी थोड़ा घुमा लो। बिजली का बिल जमा कराने वाले लंबी कतार देखी, अब सोच में पड़ गए कि क्या करें, इतनी लंबी कतार। उन्होंने खड़े हुए लोगों से ध्यान से देखने, आगे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया, तुरंत उसके पास गए, यानी शीघ्र, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उसको पहले ही उसने वह राशि यानी पैसे, वो पैसे और बिल उसके हाथ में थमा दिया। अब वो क्या बोले, और वो एक साइड जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। पर उसकी बात जब लोगों ने सुनी तो लोगों को हंसी आ गई। तो दादाजी ने पोते को समझाया था, पोता समझदार था, पर दादाजी के पैर पर आए तो दादाजी अनसुनी करने लगे। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता, आचरण यानी व्यवहार अपना अच्छा नहीं होता, आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, एक चीज रखनी चाहिए, तुम जब खुद करो फिर दूसरे को बोलो, खुद के ऊपर नहीं उतारो और दूसरे को तुम बड़ी बड़ी बात कहकर समझाओ, तो ये कथनी और करनी समान होनी चाहिए। ये पाठ यहाँ इकाई यहाँ पूर्ण हुआ। अब पेज नंबर अभ्यास पाठ की ओर जा रहे, 23 पेज नंबर 23
सोचकर बताइए। उसमें पहला है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बताया है? जवाब, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचार करने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया हुआ है। मस्तिष्क यानी दिमाग। मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय विवेक बुद्धि से करता है। वाणी का वरदान मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है, इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दूसरा सवाल, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है सब बस, रेलगाड़ी, सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है, अस्पताल, सिनेमागृह, दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां दिखने को मिलती है। क्यों? तो धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषित में सांस लेने में और छाती के फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसीलिए। तीसरा, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल गहनों का काम करता है। फूल के तोरण के स्थान फूलों की माला मूर्तियों की शोभा बढ़ा देता है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान के लिए भी होता है, इसीलिए और इन गुणों के कारण फूल अच्छे लगते हैं। लास्ट, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमा गृह के टिकट की कतारों में, रेशन की दुकानों पर रेशन लेने के लिए कतारों में, लाइट बिल, टेलीफोन बिल भरने के लिए लोग कतार में खड़े रहते, बस में चढ़ने और उतरने के लिए यात्री कतार में खड़े रहते, शहरों में मॉल में गए खरीदी का बिल चुकाने के लिए लोग कतार में खड़े रहते, बैंक में लोग पैसे की लेवड़ देवर करने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते। इस प्रकार आवश्यक अनुसार अलग अलग स्थानों पर खड़े रहते हैं। तो ये पाठ पूर्ण हुआ।